आइनुल जालूत की जंग 3 सितंबर 1260 ईस्वी में ममलूक अफवाज और मंगोलों के दरमियान हुई थी। तारीख की इस मशहूर तरीन जंग में ममलूक शाह सैफुद्दीन कुतज और उनके मशहूर जर्नैल रुकनुद्दीन बैबरस ने मंगोल अफवाज को बदतरीन शिकस्त दे दी थी। ये जंग फलस्तीन के मकाम ऐनुल जालूत पर लड़ी गई थी। इस फतह के नतीजे में मिस्र, शाम और यूरोप मंगोलों की तबाहकारियों से बच गए थे। इस जंग में एल खानी हकूमत के मंगोल बानी हलाको खान का सिपा सालार कतबुगा भी मारा गया था। 7वीं सदी हिजरी में तातारियों ने मुसलमानों की सरजमीन पर अजीम जारहियत का इर्तकाब किया और नतीजतन मुसलमानों का खलीफा मोतसिम बिल्ला हलाक हो गया और दारुल हकूमत बगदाद समेत मुसलमानों की 3/4 सरजमीन तातारियों के कब्जे में चली गई थी। सकूते बगदाद के बाद खिलाफत अब्बासिया का हमेशा के लिए खात्मा हो गया था, जिसके बाद मुसलमानों को शिकस्त दर शिकस्त का सामना करना पड़ा। मंगोलों ने सारे इराक पर कब्जा करने के बाद शाम की सरजमीन पर जरहियत का इर्तकाब किया और यहाँ भी जुल्म व सितम का बाजार गर्म कर दिया, क्योंकि इस इलाके के लोगों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया था। इसलिए मंगोलों ने इस इलाके में कत्ले आम किया। सकूते दमिश्क के बाद तातारी मिस्र और मराकश की तरफ आगे बढ़े, जो मुसलमानों के आखिरी मजबूत तरीन गढ़ थे। अगर ये भी मंगोलों के कब्जे में चले जाते तो तमाम मुसलमान उम्मत तबाह हो जाती। 658 हिजरी में हलाको खान 3,00,000 के लश्कर के साथ मिस्र की जानब आगे बढ़ा। इस वक्त मिस्र के हाकम सुल्तान सैफुद्दीन कुतज थे। सुल्तान सैफुद्दीन कुतज की फौज किसी भी तरह 3,00,000 के लश्कर जर्रार का मुकाबला करने के काबिल नहीं थी और अब मिस्र की शिकस्त का मतलब था कि हलाको खान की रसाई हिजाज़े मुकद्दस के शहरों तक हो जाती और फिर मराकश और शमाली अफ्रीका के मुस्लिम इलाके और इंदलस भी मंगोलों के कब्जे में चला जाता। मगर इस मौके पर अल्लाह ताला ने आलम इस्लाम को बचा लिया और एक मौजज़ा रोनुमा हुआ। मंगू खान के इंतकाल के बाद हलाको को अपनी फौज का बहुत बड़ा हिस्सा लेकर अपने वतन वापस जाना पड़ा। हलाको खान ने अपने नायब कतबुगा खान को 20,000 का लश्कर देकर वापस कराक्रम की राह इख्तियार की। मंगोल कमांडर कतबुगा खान ने एक धमकी अमेज खत अमीर मिस्र को रवाना किया। इसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि हमने जमीन को ताराज कर दिया, बच्चों को यतीम और लोगों को सजा दी और कत्ल कर दिया और इनके सरदारों की इज्जतों को खाक में मिला दिया है। क्या तुम समझते हो कि तुम हमसे भाग सकोगे? कुछ ही देर बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी तरफ क्या आ रहा है। सुल्तान सैफुद्दीन कुतज ने मंगोल सफीरों को कत्ल करके इनकी लाशें दारुल हकूमत में लटका दी, जिससे अफवाज और अवाम के हौसले बुलंद हो गए। सुल्तान सैफुद्दीन कुतज ने अपना एक हरअव्वल दस्ता सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की कयादत में गजा और फलस्तीन की तरफ रवाना कर दिया, जिसने तातारियों की कुछ अफवाज को वहां मसरूफ कर दिया और शिकस्त से दो चार किया। कुतज की मरकजी अफवाज इसकी कयादत में फलस्तीन के साहल की तरफ आगे बढ़ी, जहां सलेबियों का मजबूत गढ़ वाके था। यहाँ सुल्तान सैफुद्दीन कुतज ने सलेबियों को खबरदार किया कि अगर वो गैर जानबदार ना रहे तो मंगोलों से दो दो हाथ करने से पहले वो सलेबियों को पीस कर रख देंगे। इस वक्त मंगोलों ने सलेबियों से इतिहाद करना चाहा, लेकिन सलेबी सुल्तान सैफुद्दीन कुतज की धमकी और मुसलमानों की ताकत से वाकफ थे, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। जब मरकजी ममलूक अफवाज दुश्मन की अफवाज के नजदीक पहुंची तो कुतज ने मैदान जंग खुद मुंतखब किया, जो एक वादी में था। सुल्तान सैफुद्दीन कुतज ने अपने कुछ सिपाही पहाड़ों पर तैनात कर दिए ताकि अगर सलेबी धोखे से या मंगोल पीछे की तरफ से हमला करें तो दिफा किया जा सके। आखिरकार 1260 ईस्वी में ऐनुल जालूत के मैदान में मंगोल सालार कतबुगा खान अपने लश्कर के साथ पहुंच गया। हलाको खान की रवानगी के बाद दोनों लश्करों में अददी तवाजन तकरीबन बराबर हो गया था, क्योंकि तातारी लश्कर का बहुत बड़ा हिस्सा
हलाको खान अपने साथ ले गया था। कतबुगा खान को हलाको खान की तरफ से वाज़े हदायत दी गई थी कि इसकी वापसी तक इसी जगह कयाम करे और मिस्र पर हरगिज हमला आवर ना हो। अमीर रुकनुद्दीन बैबरस को जब हलाको खान की वापसी की इत्तला मिली तो उन्होंने सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज को फौरन मंगोलों पर हमला करने का मशवरा दिया। इस तरह बाकायदा तौर पर आगे बढ़कर सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने मंगोल लश्कर पर हमला कर दिया। ऐनुल जालूद की इस तारीख साज जंग में रुकनुद्दीन बैबरस ने तातारियों पर इनका अपना तरीका हरब इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने चंद दस्ते एक घाटी में घात लगाकर बैठा दिए। रुकनुद्दीन बैबरस ने इब्तदाई तौर पर पसपाई का अंदाज इख्तियार किया और मंगोल इनकी इस चाल में आकर घाटी में फंस गए थे। घात लगाकर दुश्मन को तंग जगह लाकर फंसाना तातारियों का अपना अंदाजे जंग था जो सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने खुद इन पर इस्तेमाल किया और माजी की फतोहात के नशे में सरशार कतबुगा खान सुल्तान बैबरस की चाल में आ गया। इसके बावजूद भी मंगोल दस्तों ने ममलूकों का बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया और मंगोल अफवाज का दाएं बाजू ममलूक अफवाज के बाएं बाजू पर गालब आना शुरू हो गया। इन हालात को देखते हुए सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज ने अपने सर से हिफाजती खोद उतार कर फेंक दिया और सिपाहियों की तरह लड़ने लगे। कुतुज की जुर्रत ने मुस्लिम अफवाज के सरदारों को दम बखुद कर दिया जिन्होंने फौरन कुतुज की पैरवी की और मुस्लिम अफवाज का हौसला बहाल हो गया और कुछ ही लम्हों में पांसा मुस्लिम अफवाज के हक में पलट गया। तातारी अफवाज मुंतशिर हो गई और इनकी एक काबिले जिक्र तादाद हलाक हो गई या गिरफ्तार हो गई। तातारी अफवाज का सरदार कतबुगा भी मारा गया और इसका बेटा भी गिरफ्तार हुआ। तातारी अफवाज का कोई भी फर्द कत्ल या गिरफ्तार होने से ना बच सका क्योंकि जो तातारी इस मैदान जंग से भाग गए थे वो शाम में मारे गए थे। जब ऐनुल जालूद की शानदार फतह की खबर दमिश्क और गिर्दो नवाह पहुंची तो मुसलमान खुशी से सरशार हो गए। मुसलमानों ने तातारियों पर हमले करना शुरू कर दिए और इसी साल मंगोलों को हमस से भी बेदखल कर दिया गया। जब मंगोलों को अंदाजा हुआ कि इनकी हुकूमत मश्र की इस्लामी सरजमीन पर कमजोर हो रही है और मुसलमानों ने अपनी कुव्वत बहाल कर ली है तो वो अपने वतन की तरफ वापस भागने लगे जिसकी वजह से ममलूकों ने आसानी से शाम को कुछ ही हफ्तों में मंगोलों से आजाद करवा लिया था। इस तरह देखते ही देखते शाम और फलस्तीन के अक्सर मकबूजात मंगोलों के तसल्लत से आजाद हो गए और इस तरह मंगोलिया से उठने वाली काली आंधी जो कई सालों तक मजलूम मुसलमानों का खून पीती रही 1260 ईस्वी में ऐनुल जालूद के मैदान में ममलूकों के हाथों अपने अंजाम को पहुंच गई। अगरचा इसके बाद भी तातारियों ने मुसलमानों के इलाकों पर कई हमले किए मगर इनका नाकाबले शिकस्त रहने का भरम टूट चुका था। सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज ने इन मुसलमान सरदारों को जिन्होंने मंगोलों के खिलाफ जंग में मदद की थी नवाजना शुरू कर दिया और उन्होंने कुछ अयूबी सरदारों को इनकी सरजमीन भी वापस कर दी और अपनी हकूमत में इन्हें काबिले इज्जत वुजरा के तौर पर शामिल किया। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने इस शानदार फतह में अपनी खिदमात के पेशे नज़र मुतालबा किया कि हलब और इर्द गिर्द के इलाके इनकी कमान में दे दिए जाएं, लेकिन सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज ने इनकार कर दिया। काहिरा में वापसी से चंद रोज कबल सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज पुर इसरार अंदाज में कत्ल हो गए जिसके बारे में कहा जाता है कि सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने खुद या फिर इनके इशारे पर कत्ल किया गया था। यूं इस शानदार फतह के बावजूद सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज फातिहाना अंदाज में वापस दारुल हुकूमत ना पहुंच सके और ये शरफ सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस को मिला।